ऐसा मेरे लिए तो ये पहला इवेंट है जहाँ पे हम लोग सब मिल रहे हैं और इट्स सच अ फैंटास्टिक ओकेजन बिकॉज आई थिंक व्हाट दीज गाइज हैव अचीव्ड वर्चुअल प्लैनेट और गजेंद्र वर्मा ने जो कर दिखाया है इन पिछले दो हफ्तों में, मुझे तो नहीं लगता है. मैं अभी पिछले 17 सालों से म्यूजिक इंडस्ट्री में हूँ, मैं रेडियो कर चुका हूँ, मैं टीवी कर चुका हूँ, मेरा MJ शो है जिसपे सब लोग आ चुके हैं, पर मैंने ऐसा कुछ कभी देखा नहीं है. अच्छा आप, मैं जानता हूँ सब लोग के हाथों में कैमरा है, पर अगर आपने आप भी मेरे साथ सहमत हो दैट यू सीन नथिंग लाइक दिस एवर बिफोर, एक बार वर्चुअल प्लैनेट और गजेंद्र वर्मा के लिए तालियां हो जाए प्लीज. सब कैमरा वाले आप हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा सकते हैं यार, कम ऑन, दैट्स फैंटास्टिक. सो नाउ लेट मी ब्रिंग ऑन द पीपल हु हैव मेड दिस इवनिंग पॉसिबल, दिस फैंटास्टिक म्यूजिक सीरीज जो है, म्यूजिकल सीरीज जो इन्होंने बनाई है, इसको जिसने अचीव किया है, जिसने ये बनाया है, उनको यहाँ पे बुलाते हैं. तो फर्स्ट अप I want to bring up my brother. He runs Virtual Planet Music. Everybody, welcome right here, Vikram Singh. Hi, thank you. Vikram, to yahan pe aa chuke. Let's get some of the other people involved also out here. We have Vikram Singh's label Virtual Planet has been supported tremendously by this fantastic company which has been doing great content for many, many years now. Let's bring out from Kyuki, Sushant. And now let's bring on the two stars of the entire musical series, Gajendra Verma, jisne ये गाने लिखे हैं, एंड द ब्यूटिफुल मानसी मोगे हु हैज डन सच अ फैंटास्टिक जॉब अलॉन्ग विद गजेंद्र इन ऑल ऑफ दीज फाइव सॉन्ग्स. इस बार ना कैमरा होगा हाथ में तो भी तालियां बराबर से बजाइए, थोड़े एक सेकंड के लिए कैमरा नीचे रख दीजिए. लेट्स वेलकम विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज गजेंद्र वर्मा एंड मानसी मोगे. सब मजे. अच्छा तो आप सबसे कुछ सवाल लेने के पहले यू नो मैं इनके साथ सवाल पूछना चाहूँगा. यू नो वी बीन डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम. तेरा घाटा से यू नो यू बीन कमिंग ऑन द MJ शो. आई हैड द प्लेजर ऑफ हैविंग यू ऑन द शो एज वेल, टॉकिंग अबाउट योर लास्ट फ्यू सॉन्ग दैट यू डन विद हिम. दिस इज समथिंग स्पेक्टेकुलर. ये तुम दोनों ने जो कर दिखाया है, स्पेशली यू नो वॉट ही इज डन विद पुटिंग द होल प्रोजेक्ट टुगेदर, यू विद दीज फाइव फैंटास्टिक सॉन्ग्स, इज ब्रिलियंट. अभी क्या दो हफ्ते हुए हैं सारे गाने रिलीज हुए. पहला गाना अराउंड दो हफ्ते पहले रिलीज हुआ था और वैलेंटाइन्स वीक में वो वैलेंटाइन्स डे पे फाइनल गाना रिलीज हुआ. पांच गाने दो हफ्तों में ऑर्गेनिकली ऑलमोस्ट 15 मिलियन व्यूज हो चुके हैं इन पांच गानों के. दैट इटसेल्फ इज फैंटास्टिक. यू बीन ब्रेकिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ ग्राउंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ये कॉन्सेप्ट जो है ये लाइक आई टोल्ड यू व्हेन वी स्पोक ऑन द फोन आल्सो, इट्स अ कम्प्लीटली यूनिक, कम्प्लीटली न्यू थिंग. What made you think of doing something like this? ये ऐसा project क्यों करना था? See, क्या होता है ना कि when you are back with a big label or या एक Bollywood movie से आप backing होती है, आपके गाने उस तरफ से आते हैं, तो आप regular चीज़ें कर सकते हो. You know, you are entitled to do things which normally happens. But what happens is when आपके पास हाँ कुछ गिर रहा है ना ऊपर से. देखो यार बारिश हो रही है. सो या तो पर जब आप इंडिपेंडेंटली चीजें करते हो ना, व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स ऑन योर ओन, आपका खुद का पैसा लग रहा है, खुद का बजट है, एंड यू आर मेकिंग योर ओन म्यूजिक, तो आपको लोगों को कुछ नया देना ही पड़ता है हर बार. एंड सो दिस वॉज द काइंड ऑफ वर्क. एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे हमेशा यही करना था, यू नो, कि हमेशा ऐसा ही जॉब हो कि कुछ नया मैं दे पाऊँ और ऐसा भी दे पाऊँ जो लोग मुझसे चाहते भी हैं और प्लस अपना कुछ नया दे पाऊँ. सो आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस सीरीज वॉज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कि मेरे से जो रोमांटिक गाने, सैड गाने जो पब्लिक को चाहिए, करेक्ट, वो भी हुआ, एंड प्लस समथिंग न्यू विच आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू एवरी टाइम, करेक्ट, दैट वॉज ऑल्सो पॉसिबल. और मैं हमेशा जब गजू के गाने देखता हूँ वहाँ पे कॉमेंट्स जाके पढ़ता हूँ कि क्या कॉमेंट्स है, तो लॉट ऑफ द कॉमेंट्स वर लाइक दिस इज द ओल्ड गजेंद्र वर्मा दैट वी वॉन्टेड, एंड देन ऑन वन सॉन्ग लाइक अरे ये कितना फ्रेश है, कितना नया है. सो यू नो यू आर एबल टू सेटिस्फाई योर ओल्ड फैन जिन्होंने यू नो तुमको एम्प्टीनेस से सपोर्ट किया है, और अभी जो नए फैंस है, जो नया एक ऑडियंस है, उनको भी तुमने यू नो यू बीन एबल टू अट्रैक्ट देम. आई एम गोना आस्क हिम मोर, बट बिफोर दैट लेट मी आस्क समथिंग टू मानसी. फॉर यू दिस इज नॉट जस्ट योर फर्स्ट कोलैबोरेशन विद गजेंद्र, यू नो यू वर्क्ड ऑन अदर सॉन्ग्स विद हिम.
बट ये अलग था ये आई एम श्योर इवन इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू हैड टू इन्वेस्ट दिस मस्ट हैव बीन मच मच बिगर देन एनी ऑफ द यू डन टू वीडियोज विद हिम बिफोर दिस सीरीज राइट सो वो दोनों गाने तो बहुत अच्छे थे बट ये जो प्रोजेक्ट था इतना बड़ा स्कोप था व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट डिड इट ऑलमोस्ट फील लाइक यार ये तो मैंने फिल्म साइन कर दिया है Come a little closer so that everyone can hear. Yeah, it's like a mini series only. Huh. I mean, this idea was something which was so unique, and I mean, we were sure that this is something unique and very fresh. Correct. And everybody wants to see something new now. Yeah. And this mini series was this idea like from Vikram and Gajendra. They came up with this idea, and I was really excited for that. And now when I see it, really feels like film. You know. Everybody is like, ये तो film है. When the trailer came out, they thought it's a film. Film so है, बिल्कुल. So after the songs were released, they got to know it's like a series. But I'm very happy with the result, and everybody is loving it. So. Nah, and I have to compliment you, like I did in person on WhatsApp. That you know, I think both of you have been so believable in it. What I love most about this is कि यार ये सिर्फ music video बनाने के लिए बनाया नहीं है. It actually feels कि यार इन दोनों की एक romantic कहानी है जिसको हमने बस दूर से देखा है दैट्स द मोस्ट बिलीवेबल एंड द मोस्ट रियल स्टोरी लाइन दैट यू कैन वॉच वेदर इट्स इन अ फिल्म वेदर इट्स इन अ वेब सीरीज और इन अ म्यूजिकल सीरीज जो मुझे लगता है एक नया कॉन्सेप्ट है म्यूजिकल सीरीज ये कॉन्सेप्ट ही नया है और इस नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने के लिए पहले भाई विक्रम आप आगे आ जाओ लेट्स टॉक अबाउट दिस पहली बार जब हम मिले थे और हमने बातें की थी हम मिले थे तेराघाटा के लिए पर जब हम मिले थे तब मैंने बोला था कि उसके पहले के जो भी मैंने वीडियोस देखे हैं दे फेल्ट लाइक मूवीज यार तुमने तो ये अगले लेवल पे ले लिया पहले एक एक गाने में एक छोटी मूवी रहती थी अभी पांच गानों को लेके ऑलमोस्ट एक मिनी मूवी बना दी आपने सो वॉट मेड यू थिंक दैट दिस इज द टाइम लॉकडाउन के दौरान जब सब लोग सोच रहे हैं यार घर पे बैठ के छोटा सा वीडियो कैसे बनाए अपने पास जितना है काम धंधा उसमें कैसे करें इस दौरान ऐसा एक मॉन्यूमेंटल कॉन्सेप्ट बनाना ये कैसे तुमने सोचा व्हाट मेड यू थिंक ऑफ दिस सो एक्चुअली आई लव मूवीज एंड आई लव इंडिपेंडेंट म्यूजिक आल्सो यू नो मेकिंग न्यू कॉन्सेप्ट एंड मेकिंग गेटिंग न्यू आइडियाज़ फ्रॉम वीडियो फ्रॉम ऑडियो सो दैट्स माय पैशन इज सो जब भी मैं गाने भी हम लोग शूट कर रहे थे म्यूजिक वीडियो हम लोग बनाते थे पहले देन आई थॉट कि यार कोई ऐसी कोई कहानी अगर कही जाए जो एक पूरे गानों के अंदर हो सो दैट वेयर दैट द थॉट केम तो वी आई रोट द स्टोरी एंड देन और ये जो गाने थे ये तुमने स्पेशली इस कॉन्सेप्ट को लेके बनाए या वर सम ऑफ देम एटलीस्ट कि पहले गाना बनाया था एंड देन इट फिट परफेक्टली इनटू द स्टोरी या वी एक्चुअली दो गाने ऑलरेडी थे हाँ और फिर जब स्टोरी पूरी हुई तो फिर बाकी के तीन गाने बनाए वेरी नाइस अरे भाई अभी लगता है द वर्ल्ड इज इमोशनल हो गया ये इतना अच्छा ओकेजन देख के पर मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ सुशांत फॉर यू यू बीन